अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आप सबकी। दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और देख रहे होंगे अपना फेवरेट शो टू नाइट्स मेन्यू। और टू नाइट्स मेन्यू में आपको पता है कि हम फूड स्ट्रीट के खाने आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज जो हम बना रहे हैं बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा शाही हलीम, जो वाकई में नान के साथ आप लोग खाते हैं, कुछ लोग सादा खाते हैं, कुछ लोग नान के साथ खाते हैं, सबकी बजट के हिसाब से वो मैनेज हो जाता है। तो दूसरी रेसिपी जो बन रही है वो बना रहे हैं हम फालूदा, और फालूदा भी इस हलीम के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त चटपटा जब हलीम होता है तो ठंडी चीज़ भी जाके आगे जो लगती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी और आपको हम बताते हैं। आपको ये अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि मैंने इसमें क्या क्या कर लिया है, लेकिन आपको हम सब बताते हैं, आप परेशान नहीं होइएगा। शाही हलीम के लिए मैंने लिया था बीफ 1 kg, 1 kg बोनलेस बीफ ले लीजिएगा। और आपने क्या करना है, 1 कप आप लेंगे तेल, 1 कप तेल में आप डालेंगे 1 पाव या 1 बड़ी प्याज, ठीक है। प्याज स्लाइस करके डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ब्राउन करें। 1 कप तेल में 1 पाव प्याज आपने डाला, स्लाइस की हुई प्याज, ऐसे ट्रांसपेरेंट आप उसको फ्राई करिएगा। फिर उसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक पिसावा, 2 टेबलस्पून लहसुन पिसावा। सारी चीज़ें गोश्त में डाल दी, इसमें कुछ नहीं है, इस पर भी आती हूँ, पहले ये समझ लीजिए। 2 टेबलस्पून लहसुन पिसावा, 2 टेबलस्पून अदरक पिसावा। ये देखिए, आपको कैमरा दिखा रहा होगा, इसका रंग रोगन देखिए, खुद ही भुन गया, कुछ नहीं किया है मैंने इसको। 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 बड़ी प्याज, 1 किलो बीफ। कॉलर से बात करके क्लियर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ, बोलिए। बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी बर्थडे कब होती है? मेरी बर्थडे कब होती है भाई? हो चुकी, गुजर गई अभी। कौन सी तारीख थी? बस गुजर गई बेटा, जब होगी तो बता देंगे। अच्छा और बताइए, मुझे बताएं ना, मुझे स्टार बता देना। क्यों, क्या करेंगी आप मेरे लिए? मुझे तो फिक्र लग गई है भाई। नहीं नहीं, हमें पता होना चाहिए ना। चले जी, बिल्कुल बताती हूँ, ऑन एयर बताती हूँ आपको। और कोई रिक्वेस्ट, कुछ और पूछना है? और बस सब कुछ आपने सिखा दिया और मैंने सीख लिया, तड़का बनाया। हाँ? अभी खाया। अच्छा। बहुत ही मजे का। चले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी फारिग कर दिया आपने उसको बना के। चलिए मैं बताती हूँ बेटा, खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो, ठीक है, खुश रहो। आ जाते हैं जी इसकी तरफ। हमने 1 कप तेल डाला, 1 बड़ी प्याज, 1 पाव प्याज डाली, प्याज को ट्रांसपेरेंट फ्राई किया, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 किलो गोश्त। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया था नमक 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 3 टेबलस्पून, ये रखा हुआ है मैंने। अभी इसलिए रखा है कि मैं एडजस्ट करूंगी, जब हम बनाएंगे मिक्स करेंगे तब हम एडजस्ट करेंगे सॉल्ट एंड पेपर, नमक मिर्च उस वक्त डालेंगे क्योंकि सब चीज़ों में मिलाने के बाद हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है ना। नमक 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, और क्या है इसके अंदर, दही 1 कप, ऑयल, प्याज, गोश्त, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, दही। ये डालने के बाद, इसमें जीरा पाउडर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये डालने के बाद 1 चम्मच चलाइए और पतीले में पानी भर दीजिए और छोड़ दीजिए और निकल आइए किचन से, खुद ही हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। बेहतरीन ये जो गोश्त है ये गल जाएगा, और जब ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा तो इसको हम हाथ से या जो घोटने वाला होता है उससे हम घोटेंगे। और ये देखिए बिल्कुल सालन टाइप का, कोरमा टाइप का बन गया, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसका पानी खुश्क हो गया। और इसको मैं एक एक रेशा हम अलग करेंगे हैंड ब्लेंडर के साथ, और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 पाव प्याज, 1 पाव तेल, 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 किलो गोश्त, 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और 1 कप दही के साथ मिक्स कर लिया, पानी डाल दिया, छोड़ दिया कि बीफ आराम से गल जाए। बीफ बेहतरीन गल चुका है। कॉलर से बात करते हैं और इस तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उज़्मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो दिल कर रहे डिनर आपके साथ किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम सब इंजॉय करेंगे, आप भी आ जाएं।
तो वाकई बहुत अच्छी चीज बन रही है। और सरापा आपने अगले दिन बनाई थी खड़े मसाले वाली चिकन जी, वो मैंने आज बनाई दोपहर को, बहुत ही मजे की। अच्छा, ट्राई कर लिया आपने? जी जी बिल्कुल किया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर वो मतलब जैसे इलायची वगैरह जीरा और धनिया छोड़ के उसको पोटली वाले तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चे जरा तंग पड़ते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, फ्लेवर आ जाए जी। बहुत मजे की बनी, मैंने तो सच्ची बात है पहली दफा ऐसी कोई चीज ट्राई की है। चले जी, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, आपको रिजल्ट अच्छा मिला। मटन से बनाया जाए तो किस बिल्कुल जी सेम वही रेसिपी है, गोश्त आप चेंज कर सकते हो, चिकन मटन बीफ आपकी मर्जी है। कुकिंग टाइम बढ़ता जाएगा, चिकन फटाफट हो जाती है, मटन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मटन पहले गला लें कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं सब साथ चढ़ाएंगे, सब साथ सोन के चढ़ा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की, कोई शुक्रिया की बात नहीं, और बनाते हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, बहुत दुआएं आपके। बस बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह का शुक्र है, तो यही सब कुछ इसी तरह होता है जी। ठीक है जी, गोश्त आपको बता दिया, बेहतरीन ये गोश्त गल चुका है और मैं इसको हैंड ब्लेंडर से हल्का हल्का शेडेड करती हूँ। दाल यहाँ पक रही है, लेकिन इसमें क्या क्या है बिल्कुल बताती हूँ, क्योंकि आ चुका है ब्रेक का टाइम, तो हम ब्रेक से आते हैं और आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले लीजिए।